की रेसिपी बनाने वाले हैं जो अष्टमी के प्रसाद के लिए बनाई जाती है नवरात्रि के टाइम में। तो मैंने 1 कप काले चने लिए हुए हैं, भिगो के बॉईल किया हुआ है, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुछ ऑयल लिया है। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मसाले सारे एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, हल्का सा। और इसको हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से मसाले को। इसमें हम कोई लहसुन प्याज यूज नहीं करेंगे। अभी हम पैन में हमने पैन रख दिया है और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। हमारा ऑयल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे और इसको हम चटकने देंगे। जब हमारा जीरा भुन जाएगा, अच्छे से चटक जाएगा, तो इसमें हम अपना मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया है। देखिए मसाला हमारा भून गया है और छोड़ दिया है। तो इसमें अभी हम नमक ऐड करेंगे। तो मैंने नमक लिया था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अभी इसमें हम चने डालेंगे और इनको हम मिक्स करके अच्छे से 2-3 मिनट के लिए ढक्के से पकाएंगे। चने मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, इनको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी 2-3 मिनट हो गए, हम अपने चने चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे चने बिल्कुल बन के तैयार हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको कच्चे चने का ही बनाना है तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना है ताकि वो गल जाए हल्के से। अब मैं थोड़ा सा इसमें चना मसाला डालूंगी, 1/2 टीस्पून के लगभग। आपके पास है तो डालने में कोई जरूरी नहीं है। और इसको मिक्स कर देंगे और इसको प्लेट में हम सर्व कर देंगे। तो ये देखिए हमारे दुर्गाष्टमी काले चने बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।